wave motion for HSE board, right? And this is very simple chapter, very small chapter. Fine, so let's get started. This is a wave, a simple harmonic progressive wave which is moving in a medium. The distance between two consecutive crests is known as wavelength, or distance between two consecutive trough is known as wavelength. Lambda ka aisa unit hota hai meter, and we have formula V is equals to n lambda. V is a speed of a wave, n is a frequency, and lambda is the wavelength. And 1 upon lambda ko kya kehte hai? 1 upon lambda is known as wave number. Aur wave number ka aisa unit kya hota hai? Per meter, ya to meter inverse. So dekho, abhi ye a yahan se lekar yahan par ek pura wave complete hota hai. ये क्या होता है, एक पूरा वेव कंप्लीट होता है. तो एक वेव कंप्लीट होता है तो डिस्टेंस कितना, लैम्डा, और फेस कितना, 2 पाई, क्योंकि यहां से 0, यहां पे 90, यहां पे 180, यहां पे 270 और यहां पे 360, मतलब 2 पाई. सो लैम्डा करस्पोंड्स टू 2 पाई. तो समझो कोई भी रैंडम डिस्टेंस लो ना x, यहां से अगर ऐसा x डिस्टेंस लिया तो वो x डिस्टेंस के लिए कितना करस्पोंड करेगा, डेल्टा. सो दैट डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 पाई x बाय लैम्डा, वेयर डेल्टा इज फेज डिफरेंस एंड x इज पाथ डिफरेंस. 2 पाई बाय लैम्डा इज नोन एज प्रोपोगेशन कांस्टेंट k, हुज यूनिट इज पर मीटर. एंड द इक्वेशन ऑफ द वेव मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस इज y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस 2 पाई x बाय लैम्डा. माइनस होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, तो इक्वेशन होगा वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा. सो ओमेगा को लिखें 2 पाई बाय टी, सो हो जाएगा वाई इज इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई बाय टी स्मॉल टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा. 2 पाई 2 पाई कॉमन, सो ए साइन 2 पाई स्मॉल टी बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्डा. नाउ 1 बाय टी इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, सो 1 बाय टी को लिखा एन, एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा. अभी ये एन को बाहर लिया, मतलब समझो ऐसा किया कि n को डिवाइड किया, दोनों बाजू मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया. सो अंदर डिवाइड किया और बाहर मल्टीप्लाई किया, सो 2 पाई n हो जाएगा, और अंदर डिवाइड किया तो n बाय n कैंसिल, और नीचे ये n आ जाएगा. सो n लैम्डा, एंड n लैम्डा होता है v, और 2 पाई n को लिखेंगे ओमेगा. सो इक्वेशन बन गया a sin ओमेगा t माइनस x बाय v. दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन. ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन है, दो या तीन मार के लिए पूछ सकते हो, राइट द डिफरेंट एक्सप्रेशन of a wave, progressive wave, simple harmonic progressive wave moving towards the positive direction of x-axis. That's it. ये भी देखो, reflection of wave. ये बात ध्यान में रखो कि denser medium होता है, वो danger होता है. This is a transverse and this is longitudinal. तो एक transverse जा रहा है और एक longitudinal जा रहा है. तो ये व्हाइट जो है ना, वो एरो 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 एरो, वो इंसिडेंट है. और ऐसा याद रखो, मैं निमोनिक्स बता रहा हूँ आपको, है ना, डॉक्टर डॉक्टर. सो डॉक्टर में डी यानी डेंजर, आर यानी रेरर, डी यानी डेंजर, आर यानी रेरर, इंसिडेंट 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 इंसिडेंट. कम ये है क्रेस्ट, ये है क्रेस्ट, लेकिन ये तो लॉन्जिट्यूडनल है, तो ये है कंप्रेशन, ये है कंप्रेशन. सो इंसिडेंट सी 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 ऐसा है. अभी समझो कहाँ पर बिल्डिंग में आग लगी, तो फायर ब्रिगेड वाले आए, तो उन्होंने इंडिकेशन दिया है कि जब स्टार्टिंग की सीटी बजाएंगे तब पानी चालू करना है, और एंड की सीटी बजाएंगे तब पानी बंद करना है. तो देखो, अभी आग लगी, स्टार्टिंग की सीटी बजाई, तो सीटी स्टार्टिंग की सीटी बजाई, और उन्होंने फायर ब्रिगेड वालों ने पाइप से पानी चालू किया, तो लोग जो है आजू बाजू लोगों के, और वो फायर ब्रिगेड के लोग भी है, वो पानी को देख रहे हो कैसा एकदम मस्त प्रोजेक्टाइल से जा रहा है. तो दे सी द वाटर, दे सी द वाटर, एंड फाइनल जब आग बुझ गई तो वापस और एक सीटी बजाई. तो सी 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 तो था ही, सी 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 इंसिडेंट, क्रेस्ट क्रेस्ट, कंप्रेशन कंप्रेशन, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा वो कैसा होगा, रिफ्लेक्टेड पार्ट क्या होगा, तो उसके लिए सी टी सी सी टी, मतलब पहले सीटी बजाई, बाद में सी, बाद में वापस लास्ट में सीटी बजाई, मतलब स्टार्टिंग की सीटी, एंड की सीटी, बीच में सी. तो ये अगर क्रेस्ट गया तो ट्रफ वापस आएगा, और क्रेस्ट गया तो क्रेस्ट वापस आएगा, और डेंजर है वो डेंजर है, तो डेंजर में पाई का फेस डिफरेंस होता है, यहाँ पर फेस डिफरेंस नहीं होता. डेंजर में पाई का फेस डिफरेंस होता है, यहाँ पर फेस डिफरेंस नहीं होता. चाहे वो लॉन्जिट्यूडल वेव हो, चाहे वो ट्रांसवर्स वेव हो, डेंजर वेव से टकरा के आएगा तो पाई का फेस डिफरेंस होगा, 180 डिफरेंस, 180
डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर क्रेस्ट है तो ट्रॉफ, और ट्रॉफ है तो क्रेस्ट, क्रेस्ट है तो क्रेस्ट, ट्रॉफ है तो ट्रॉफ। यहां पर कंप्रेशन तो कंप्रेशन, रेरिफ्रैक्शन तो रेरिफ्रैक्शन, यहां पर कंप्रेशन तो रेरिफ्रैक्शन और रेरिफ्रैक्शन तो कंप्रेशन। सो लास्ट वाला टी जो है उसको आर करने का, क्योंकि ट्रॉफ तो हो नहीं सकता लॉन्जिट्यूडन में, तो उसका कंसेप्ट ही है इसके पीछे के वेव वेलोसिटी रिवर्स होती है वगैरह वगैरह। लेकिन बहुत सारा पढ़ना है ना साथ में, तो ऐसा निमोनिक्स काम आता है कि भाई डॉक्टर डॉक्टर डी आर डी आर, डेंजर रेर डेंजर रेर, डेंजर मीडियम डेंजर मीडियम, उधर पाई चेंज होता है हमेशा। और यहाँ पर फेस डिफरेंस होता है क्या, फेस चेंज होता है क्या, नहीं, फेस चेंज कितना, जीरो। सी 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 इंसिडेंट, स्टार्टिंग में सी टी बजाए तो सी टी, देन सी और वापस आखिर में सी टी बजाए, वो टी का आर किया। एक बार समझा दिया, वापस पॉज करना, वापस रिवाइंड करना, समझ जाएगा। टाइम ज़्यादा मैं नहीं लेता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। सुपर पोजिशन ऑफ वेव, कोई भी एक पॉइंट है मीडियम का, एक पार्टिकल है उस पर बहुत सारे वेव साथ में आ रही है, ठीक है, वाई वन वाई टू वाई थ्री, ऐसे बहुत सारे वेव साथ में आ रही है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, अलग अलग एम्पलीट्यूड की होगी, ठीक है। तो अभी टोटल रिजल्टेंट जब निकालना हो, दैट इज नोन एज सुपर पोजिशन ऑफ वेव। द टोटल डिस्प्लेसमेंट एट अ पॉइंट इज गिवन एज द वेक्टर, वेक्टोरियल एडिशन, के द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी द वेक्टोरियल एडिशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल वेव के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होता वो, कि पहली वाली वेव है वो सोचती है कि दूसरा तीसरा कोई है ही नहीं, दूसरे वाले वेव सोचेगी पहला तीसरा कोई है ही नहीं, और तीसरे वाले सोचेगी पहला दूसरा कोई है ही नहीं, मतलब इंडिविजुअली इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर, इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर वेव, वो अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा, और फाइनल जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी अ वेक्टोरियल सम, वेक्टर सम। सो वाई बार रिजल्टेंट विल द रिजल्टेंट विल बी वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई एन, और ऊपर ऐसा बार किया है क्योंकि वो वेक्टोरियल सम। देन बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी मतलब डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, 510 और 505 तो बीट 5, 515 और 510 तो भी बीट 5, 507 517 बीट 10। सो बहुत ही कम बीट फ्रीक्वेंसी होगी तो ऑडिबल होता है, और बीट फ्रीक्वेंसी होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी n1 माइनस n2, ज़्यादा डिफरेंस हुआ तो ऑडिबल नहीं होता। अभी वैक्सिंग वैनिंग वैक्सिंग वैनिंग वैक्सिंग वैनिंग हो रहा है, तो समझो ये ब्लू है, वैक्सिंग 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 वैनिंग वैनिंग वैनिंग, मतलब मैक्सिमम 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 ऐसा होता है, मिनिमम 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 ऐसा होता है। तो डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग, उसका जो टाइम है वो है 1/(n1-n2), या तो डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वेनिंग वो है 1/(n1-n2), यानी कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसिव मैक्सिमा इज 1/(n1-n2) और 1/बीट फ्रीक्वेंसी, एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसिव मिनिमा इज ऑल्सो 1/(n1-n2) विच इज 1/बीट फ्रीक्वेंसी, एंड देन वी हैव डॉप्लर्स इफेक्ट जिसमें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होता है वी प्लस और माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस प्लस वी एस इंटू एन, वेर एन इज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, एंड एन ए इज अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बताया है, ये वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, डिटेल में अलग अलग 6 केस बताया है मैंने, और ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसके न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल है, बीट फ्रीक्वेंसी है, इक्वेशन है, दैट्स इट। थियोरेटिकल पार्ट कुछ है कि सुपर पोजिशन ऑफ वेव है, रिफ्लेक्शन है, बट इट्स सिंपल। सो दैट्स इट, ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। दैट इज फास्ट फॉर्मूला रिविजन फॉर HSC एग्जाम, स्टेशनरी वेव चैप्टर है, ये तीन बहुत ही मेजर टॉपिक है, हार्ट है चैप्टर के, मतलब क्योंकि चैप्टर में यही है, बाकी तो सब थियोरिटिकल छोटे छोटे पार्ट है। सो इट स्टार्ट्स विद दिस, के व्हेन टू वेव्स पास होते हैं, टू वेव्स क्या होते हैं, पास होते हैं, सो टू वेव पास होते हैं, एक इधर और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, पास मतलब सेम पीरियड सेम एम्पलीट्यूड सेम स्पीड, और पीरियड और स्पीड सेम है मतलब फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, सो टू वेव्स हैविंग सेम पीरियड सेम एम्पलीट्यूड सेम स्पीड सेम फ्रीक्वेंसी passes each other in opposite direction and they superimpose to form a stationary wave. So first wali wave hai y is equals to a sin omega t minus 2 pi x by lambda, second wali wave hai y is equals to a sin omega t plus 2 pi x by lambda, dono superimpose ho gaye, stationary wave banta hai y is equals to 2a cos 2 pi x by lambda sin omega t, aur uske likh sakte hai r sin omega t where r is amplitude of stationary wave, 2a जो होता है वो amplitude of antinode होता है, और node का amplitude 0 होता है, so node मिनिमम डिस्प्लेसमेंट 0 एम्पलीट्यूड, एंटीनोड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2a एम्पलीट्यूड, प्रोग्रेसिव वेव का एम्पलीट्यूड a,
एंटी नोड का एम्पलीट्यूड 2a, स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड ये रहा, दैट्स इट. सो द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग और वायर अंडर टेंशन इज n इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 अंडर रूट ऑफ t बाय m. T is a tension in the string, जो लोड होगा वो. Small m is mass per unit length. ये ध्यान रखो, small m is mass per unit length, linear mass density of the wire. And L is a total length of the wire. So, एक loop, दो loop, तीन loop. This is first harmonic, this is second harmonic, this is third harmonic, fourth harmonic, चार loop, fifth harmonic, पांच loop, tenth harmonic, दस loop, fifteenth harmonic, पंद्रह loop, nth harmonic, n loop. तो nth हार्मोनिक अगर होगा तो n लूप बनेंगे, बराबर. एक लूप में कितना एंटी नोड, एक. दो लूप में कितना एंटी नोड, दो. तीन लूप में तीन. तो टेंथ हार्मोनिक बोले तो दस लूप. दस लूप में कितना एंटी नोड, दस एंटी नोड. तो नोड कितना, एक ज्यादा. सो नोड कितना होगा, यहां पर दो, यहां पर तीन. तो ये भी तो नोड है ना एंड पॉइंट पे. सो इधर दो एंटी नोड, तीन नोड. इधर तीन एंटी नोड, चार नोड. मतलब n इज इक्वल्स टू ए प्लस वन. नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू एंटी नोड प्लस वन. और ओवरटोन निकालना होगा ना, तो हार्मोनिक में से एक माइनस करेगा. जैसे फिफ्थ ओवरटोन, यानी फिफ्थ हार्मोनिक से ओवरटोन करना है. फिफ्थ हार्मोनिक फोर्थ ओवरटोन, सिक्स्थ हार्मोनिक फिफ्थ ओवरटोन, सेवेंथ हार्मोनिक सिक्स्थ ओवरटोन, टेंथ हार्मोनिक नाइन्थ ओवरटोन, ट्वेंटी थर्ड हार्मोनिक ट्वेंटी सेकेंड ओवरटोन, एक पीछे आने का. और ओवरटोन दिया होगा तो एक आगे जाने का. 19th ओवरटोन 20th हार्मोनिक, 21st ओवरटोन 22nd हार्मोनिक, 54th ओवरटोन 55th हार्मोनिक, 3rd ओवरटोन 4th हार्मोनिक. मतलब 5th ओवरटोन इज p प्लस 1 हार्मोनिक. 5th ओवरटोन दिया है तो 6th हार्मोनिक, 7th ओवरटोन दिया है 8th हार्मोनिक, 10th ओवरटोन दिया है 11th हार्मोनिक. अगर हार्मोनिक से ओवरटोन में आना है तो माइनस 1 करने का. दैट्स इट. आई होप आपको समझा होगा. नहीं समझा तो रिवाइंड करो, पॉज करो, वापस देखो, बिकॉज वी हैव टू कवर दिस आल्सो. सो सेकंड पे जाते हैं, क्लोज पाइप. क्लोज पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है एनसी इज इक्वल टू वी बाई फोर एल. एंड थर्ड जो है ओपन पाइप, उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है एनओ इज इक्वल टू वी बाई टू एल. फॉर अ सेम लेंथ ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस एज दैट ऑफ क्लोज पाइप. अभी क्लोज पाइप में ना नंबर ऑफ नोड और नंबर ऑफ एंटी नोड इक्वल होते हैं, एन इज इक्वल टू ए. ये ध्यान रखो. ये क्या है, एक नोड एक एंटी नोड, दो नोड दो एंटी नोड, तीन नोड तीन एंटी नोड. यहां पर नोड एक ज्यादा था, किससे, एंटी नोड से. यहां पर नोड और एंटी नोड दोनों इक्वल है, और यहां पर ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट. यहां पर ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, यहां पर भी ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, यहां पर ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट. मतलब जो मल्टीपल होता है ना n का, वो सिर्फ ऑड होगा. n 3 n 5 n 7 n 9 n 11 n 13 n, यहां पर सब होगा. n 2 n 3 n 4 n 5 n 6 n, यहां पे सब होगा. n 2 n 3 n 4 n 5 n 6 n, यहां पर सिर्फ ऑड हार्मोनिक होगा. n 3 n 5 n 7 n 9 n वगैरह वगैरह. तो अगर उन्होंने बोला कि सेकंड मोड थर्ड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक यानी क्या करने का ना, उसको माइनस वन करके आधा करने का. क्या करने का, माइनस वन करके आधा. सो थर्ड हार्मोनिक माइनस वन टू, आधा एक. सो दिस इज फर्स्ट ओवरटोन. फिफ्थ हार्मोनिक माइनस वन करो फोर, आधा करो टू, मतलब सेकंड ओवरटोन. बरोबर ना, ये थर्ड हार्मोनिक है, माइनस वन किया तो टू होगा, और डिवाइड बाय टू किया तो वन होगा, दैट इज फर्स्ट ओवरटोन. ये फाइव एन है, मतलब फिफ्थ हार्मोनिक है, माइनस वन करेंगे तो फोर होगा, डिवाइड बाय टू करेंगे तो टू होगा, दैट इज सेकंड ओवरटोन. So, 11th हार्मोनिक माइनस वन करके आधा, फिफ्थ ओवरटोन. 23rd हार्मोनिक माइनस वन करके आधा, 11th ओवरटोन. 55th हार्मोनिक माइनस वन करके आधा, 27th ओवरटोन. और अगर ओवरटोन दिया है तो डबल करके प्लस वन, ओवरटोन दिया है तो डबल करके प्लस वन. के भाई ये कौन सा ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन है. फर्स्ट ओवरटोन वन का डबल टू, प्लस वन थ्री, हो गया ना 3n. ये कौन सा ओवरटोन है, सेकंड ओवरटोन, सेकंड का डबल फोर, फोर में प्लस वन कितना हो गया 5. तो ओवरटोन दिया है तो 2p प्लस 1 करेंगे. पिथ ओवरटोन इज 2p प्लस 1 हार्मोनिक. अगर 10th ओवरटोन है तो 21st हार्मोनिक, 8th ओवरटोन है तो 17th हार्मोनिक, 5th ओवरटोन है तो 11th हार्मोनिक, डबल करके प्लस 1. और अगर हार्मोनिक से ओवरटोन में आना है तो पहले माइनस 1 करेंगे, देन डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है.
ओपन पाइप में भी सेम है, यहाँ पर एन टू एन थ्री एन फोर एन फाइव एन सब होता है, लेकिन यहां पर जो है एंटी नोड ज्यादा होता है नोड से. एंटी नोड इज नोड प्लस वन. देखो ऑब्जर्व करना जैसा है, यहां पर नोड इज एंटी नोड प्लस वन, यहां पर नोड इज इक्वल टू एंटी नोड और यहां पर एंटी नोड इज इक्वल टू नोड प्लस वन. सो दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक नो ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन, फोर्थ हार्मोनिक थर्ड ओवरटोन, फिफ्थ हार्मोनिक फोर्थ ओवरटोन. सो nth हार्मोनिक होगा तो n माइनस वन ओवरटोन होगा, मतलब 10th हार्मोनिक 9th ओवरटोन, और nth ओवरटोन होगा तो n प्लस वन करेंगे, मतलब 5th ओवरटोन होगा तो p प्लस वन हार्मोनिक होगा. ये और ये बहुत सिमिलर है फॉर्मूला के हिसाब से, मतलब वेरिएशन जो होता है ना हार्मोनिक ओवरटोन, तकलीफ यहां पर है लेकिन मैं बताऊंगा कैसे याद करेंगे. तो शॉर्ट में लास्ट के थोड़े टाइम में इसको ही रिवाइज कर लेते हैं. इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n is equal to 1/2l root of t by m, दिस इज फंडामेंटल v by 4l, दिस इज फंडामेंटल v by 2l. यहां पर नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू एंटी नोड प्लस वन, नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी नोड, नंबर ऑफ एंटी नोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड प्लस वन. यहां पर ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, यहां पर ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, यहां पर ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट. और अगर पिथ ओवरटोन दिया है तो 2p plus 1 करेंगे, बोले तो 5th ओवरटोन 11th हार्मोनिक, 9th ओवरटोन 19th हार्मोनिक, 4th ओवरटोन 9th हार्मोनिक. वैसा यहां पर पिथ ओवरटोन दिया है, यहां पर पिथ ओवरटोन दिया है तो ये दोनों में p plus 1 करेंगे, 5th ओवरटोन 6th हार्मोनिक, 3rd ओवरटोन 4th हार्मोनिक, 1st ओवरटोन 2nd हार्मोनिक, 12th ओवरटोन 13th हार्मोनिक, लाइक दैट. सो दिस इज सिंपल, उसको ना आप एकदम ट्रिक में बिठा देंगे तो बहुत ही सिंपल होगा, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, और ये डिराइव करना आएगा तो भी बहुत सिंपल है. देन एंड करेक्शन होता है 0.3d विच इज 0.6r, क्लोज में एक ही बाजू एंड करेक्शन होगा, ओपन में दोनों बाजू एंड करेक्शन होगा, एंड देन वी हैव अ थियोरेटिकल पार्ट ऑफ रेजोनेंस. सो आप ऐसे पढ़ना अच्छे से, तो ऐसे मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा. नमस्कार.